बिहार में अब ऐसी गाड़ियां नहीं चलने वाली हैं। अगर आपके पास भी खटारा गाड़ी है तो आप इस खबर को बड़ी बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। सरकार ने पहले से ही ये फरमान दे रखा है कि अब बिहार में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को चलाना वर्जित है, और अगर आप फिर भी सड़क पर लेकर निकलते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर बिहार सरकार ने क्या काम शुरू किया है और किस प्रकार से खटारा वाहनों को बंद किए जाने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार का पुलिस महकमा अपने को हर पहलू पर अपडेट करने में पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। इसी क्रम में पुलिस बेड़े से सभी पुराने वाहनों को हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर राज्य में रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर पुलिस महकमे ने पुराने वाहनों को बदलने से संबंधित रणनीति तैयार की है। पुलिस महकमे ने नई वाहन नीति तैयार की है। इसमें सभी पुराने वाहनों को चरणवार तरीके से बदलने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक साल एक निश्चित संख्या में वाहनों की खरीद की जाएगी, जिसे लेकर सभी जिलों से पुराने और खटारा वाहनों की सूची मांग ली गई है, ताकि उन्हें बदलने को लेकर पहल की जा सके। सभी पुराने वाहनों को आने वाले 4 से 6 महीने में प्राथमिकता के आधार पर परिचालन से हटा दिया जाएगा। पुलिस महकमे में वर्तमान में पुराने और खराब बड़ी गाड़ियों की संख्या 500 के लगभग है। हालांकि सभी जिलों से सूची प्राप्त होने के बाद ही सही आंकड़ा मालूम हो पाएगा। पुलिस मुख्यालय को भी इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, इसी वजह से सभी जिलों से इससे संबंधित सूची तलब किया गया है। लिस्ट प्राप्त होने के बाद जिन जिलों में सबसे ज्यादा वाहनों की जरूरत होगी वहां ज्यादा, और जहां कम जरूरत होगी वहां कम संख्या में वाहनों को भेज दिया जाएगा। इसके आधार पर ही यह भी तय होगा कि कितनी संख्या में वाहनों की खरीद चालू वित्तीय वर्ष में की जाएगी और आने वाले कितने वित्तीय वर्षों में वाहनों की कितनी संख्या में खरीद करने से ये कमी दूर हो जाएगी। परिवहन विभाग के 15 साल पुराने वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के बाद पुलिस महकमे ने इस पर खास तौर से काम शुरू कर दिया है। आने वाले 3 से 4 वर्ष में सभी पुराने वाहनों को रिप्लेस करने की कार्य योजना के तहत काम किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत हर वर्ष कुछ कुछ संख्या में वाहनों की खरीद करने की योजना बनाई गई है। चालू वित्तीय वर्ष में आधुनिकीकरण योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें वाहनों की खरीद की भी योजना है। पुलिस महकमा ऑनलाइन जेम पोर्टल से ही मुख्य रूप से वाहनों की खरीद करता है। इस मामले में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि पुराने वाहनों को बदलने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। सभी जिलों से 15 साल पुराने वाहनों की सूची मांगी गई है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर इन्हें बदला जाएगा, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बदल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिहार में आम लोगों के लिए भी ये नियम लागू कर दिया गया है कि 15 साल पुराने वाहनों को लेकर रोड पर नहीं निकलना है। अगर आप निकलते हैं तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ऐसा पर्यावरण को दृष्टि में रखते हुए भी किया गया है और कई नियम भी बनाए गए हैं जिसका की पालन आपको करना होगा। अब ऐसे में बिहार पुलिस में जितनी भी खटारा गाड़ियां हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बिहार पुलिस ऐसी गाड़ियों पर चलती है जो कि खटारा हैं, तो अब उन्हें बदलने की तरफ कार्य किया जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।